हेलो वेलकम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं एक ब्रेकिंग न्यूज। अभी तो ये झांकी है, इतिहास रचना बाकी है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर के वो चार बड़े फैसले जो कि ले लिए गए हैं। तो चलिए जान लेते हैं, हम ये भी जानेंगे कि इस फैसले से आपको क्या लाभ मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो आर्टिकल 370 धारा थी वो अब हटा दिया गया है, प्लस 35A भी हटा दिया गया है। और जम्मू कश्मीर पहले जो राज्य था, अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और हम बात कर लें इसमें, अब जो बट गया है कश्मीर और लद्दाख हुआ अलग। और भी हम इसमें बात करने वाले हैं कि आपके अधिकार में क्या क्या हो गए, आपके इससे बेनिफिट क्या क्या मिलेगा। तो चलिए लेट्स सी। जैसे कि पहले क्या था कि भारत के अन्य राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब आपको ये फ्रीडम मिल गया है। भारत के अब अन्य राज्यों के लोग भी जम्मू कश्मीर में अपनी भूमि या फिर ज़मीन खरीद सकेंगे। और एक वित्तीय आपातकाल लगाने वाली धारा 360 भी जम्मू कश्मीर में अब लागू कर दी जाएगी। और जम्मू कश्मीर का जो झंडा है अब वो अलग नहीं होगा, जो हम सभी फहराते हैं अब जम्मू कश्मीर वाले भी फहराएंगे। उनके लिए भी एक अच्छी खुशखबरी है। भारत की संसद जम्मू कश्मीर में रक्षा, विदेश मामले और संचार के अलावा कोई अन्य कानून भी अब बना सकती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये लागू नहीं था। और भी बात कर लें, धारा 356 लागू नहीं था, जो कि अब लागू हो गया है, जो राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन अब हो गया है। और भी हम बात कर लें, कश्मीर की कोई भी लड़की किसी बाहरी से शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन अब ये लागू हो गया है, अब कोई रोक नहीं है। और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता था, लेकिन अब भी ये लग सकता है। तो ये अब आपके अधिकार की बात हो गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है हमारे सरकार के ओर से, हमारे देश की ओर से और जम्मू कश्मीर वालों की। ठीक है, तो बस मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन थी देनी थी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।